गोहाना के विष्णु नगर स्थित बाबा पीर जमाल की मजार पर आज स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर व भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सांसद रमेश कौशिक, विशिष्ट अतिथि के रूप में DCP भारती डबास, समाज सेवी राजवीर धैया, नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर बाबा पीर जमाल खान कमेटी के अध्यक्ष बलवान सिंह पन्नू ने सभी का बुक्का देकर व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद रमेश कौशिक, गोहाना DCP भारती डबास व अन्य ने स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर का जायजा लिया और बैज लगाकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सांसद रमेश कौशिक ने मीडिया से बात करते हुए आयोजनकर्ताओं की सराहना की व गोहाना क्षेत्र में उनके प्रयासों से किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया व जगत मान संवाददाता के कड़वे सवालों का जवाब दिया। आज इसमें इन्होंने एक तो कैंप लगवाए हैं, हेल्थ कैंप और एरिया भंडारा है, इन दोनों में आया, ब्लड डोनेशन कैंप भी है उसके लिए आया। और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सामाजिक काम है ये होते रहना चाहिए, कई लोग जुड़े रहें और लोगों को फायदा भी होता रहे। अब ये कैंप लगवा रहे हैं, राजवीर ने कैंप चलना है। जिस प्रकार से सरकार जो है संतों की जयंतियाँ मना रही है सरकारी तौर पे, तो उससे क्या मैसेज देना चाह रही है? उससे ये है, जो हमारे बड़े संत थे उन सब की हम जयंती मना रहे हैं, वो बिना उसके जात पात के, बिना उसके जो भी जिस भी समुदाय से था, उससे जैसे धन्ना सेठ की है और सारी सबकी मनाई है, रविदास के दी से दूसरी जितनी भी है सबकी मना रहे हैं। और वो जयंतियाँ मनाना इसलिए है कि उस समाज में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं लोग उनको याद कर सकें, इसलिए समाज आपस में जुड़ा रहे। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष जो है सरकार पे हमलावर रहता है कि BJP जो है धर्म और जात की राजनीति करती है, BJP जो है धर्म और जात की नहीं, उसको साथ लेकर चलती है। ये जात पात की राजनीति कांग्रेस वाले ही करते हैं और उनके पास कोई एजेंडा तो होता नहीं। आओगे ये कि मुझे वोट दे दो, उनके मांग लेने मैंने क्या काम करा, मैं तो ये कहता हूँ काम की वोट मांगो। अब गोहाना स्टेशन के लिए हमने 22 करोड़ रुपए अभी किए हैं, 22 से 25 करोड़ रुपए, इतने 22 से 25 सोनीपत के लिए किए, 22 से 25 जींद के लिए, तीनों स्टेशनों में मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। गंदगी पड़ी थी रेलवे स्टेशन से, हम जो पार्क बने हैं काम ये हैं, ये नेशनल हाईवे सारे दिख रहे, ये काम है। रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर में, कंटेनर डिपो मारुति खरखोदा में, जो काम है ना काम दिखता है। ग्रीन हाईवे अब ये कंप्लीट हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो काम ये है। काम करो, हम काम भी करते हैं और समाज से जोड़ रहे काम। लेकिन कांग्रेस विधायक ने कल जो है सरकार पे हमला बोला है कि जितना काम कांग्रेस के कार्यकाल में गोहाना में हुआ उतना कभी नहीं। वो बता दे कौन सा काम हुआ, लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद तो दो चुनाव, तो ये कोई बात नहीं कौन सा काम हुआ नहीं हुआ। और हम सबका ये दायित्व है कि हमें काम करना चाहिए, वो करना चाहिए जिससे उस इलाके का विस्तार हो सके। तो जब तक नेशनल हाईवे से कोई एरिया नहीं जुड़ेगा वो तरक्की नहीं कर सकता, चाहे आपका फरीदाबाद है, चाहे गुड़गांव, चाहे सोनीपत, पानीपत, ये जितना भी उसे तरमवाड़ा, सब ने जब तरक्की की है जो नेशनल हाईवे, मैंने जो काम किया नेशनल हाईवे से जोड़ने का, और रेलवे लाइन थी ये अपना गोहाना से गोहाना वाली थी, रोहतक गोहाना पानीपत ये बिजली करनी थी वो करवा दी, जींद गोहाना सोनपत वो करवा दी, जींद पानीपत, ये सारे वो काम है जो मेन काम है। एक लार्ज स्केल पे आपने सारे प्रोजेक्ट बताया, ग्राउंड की बात करें तो आज मंडियों में गेहूं की किसान की सबसे बड़ी समस्या, आप सोनीपत ऐसा है जींद का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों की जो बात करते हैं तो कितनी समस्या है? ऐसा है, ये समस्याएं इस टाइम आती है कुछ और ये जल्दी दूर हो जाए, एकदम बहुत ज्यादा गेहूँ आ जाता है उसको रखने के लिए उसमें समय भी लगता है और लेबर भी, और यहाँ हर साल ये हर साल आप ये मतलब सीजन से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी का तैयार करना ऐसा उठान की भी नहीं आती, उठान की बीच में मौसम भी खराब हुआ है कई बार और ये उठाने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है ये, लेकिन कोई लंबा चौड़ी बात नहीं है, ये कभी भी लगातार जब से मंडियाँ चली हैं ये चुटपुट रहेगी, क्योंकि ये काम मंडियों का भी है और वो एजेंसियाँ आपस में मिलके करती है, कई बार लेबर ही प्रॉब्लम आ गई और आ गई, अभी याद है इसको हम दूर कर रहे हैं। एमपी साहब अभी हाल ही में कांग्रेस की रैली हुई आपके सोनीपत जिले में, क्या कहें? मैं इनके बारे में बोलता नहीं, आपने पता मैं चुनाव में ना बोलता, इन तक ये करना के रैली थी पता कुछ कर लो ना कर लो, अब वही नहीं थी, पीछे भी करी थी गोहाना में जब चुनाव में करी थी ना उसका रिजल्ट आ लिया ना,
अगली रैली हमें बता दूंगा कि रिजल्ट आ गया, इसलिए कोई बात नहीं है। इसका रिजल्ट खुल के बोलते थे सर, अब क्यों नहीं बोलते? मैं खुल के बोल रहा हूँ, अगर पिछली रैली का रिजल्ट आ गया था अब अगली का भी आ जाएगा, इसलिए मैं जाता, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी बुराई करना वो करना, सर अपना काम करना अपनी बात करनी मुझसे बुरा। एक चर्चा है कि रमेश कौशिक बिल्कुल साइलेंट है, क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये चर्चा है। कौन कह नाम पकड़ो, लोगों में चर्चा है? लोगों में कोई चर्चा नहीं है, ये इधर उधर के लोग करते रहते होंगे। मैं चुनाव लड़ूँ और पार्लियामेंट का चुनाव सोनीपत से ही लड़ूंगा। लोगों में ये भी चर्चा है रमेश कौशिक कांग्रेस में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाऊँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सांसद बनाया और भारतीय जो है ना कमजोर लोग ये प्रचार करते हैं, अगर बनने तो लोग कमजोर लोग के ये सोचते हैं किसी का है कुछ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, और फिर तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में या प्रदेश में बनेगी। ये फैसला तो उन्हीं ने करना है, अपने हाथ का तो ये है, जब अध्यक्ष कह रहा है ऐसा है, मेरी नज़र से काम नहीं चले, ये पार्टी हाईकमांड का फैसला होगा, पार्टी हाईकमांड जो फैसला करेगा वो मानेंगे। लेकिन आपसे हम एक सफाई चाहते हैं, जिस प्रकार से पता चला है कि बीजेपी और जेजेपी पन्ना प्रमुख जो है मिलके बना रहे हैं, यानी कि जेजेपी का कोई पन्ना प्रमुख नहीं होगा, वो मिलके बीजेपी वाले ही पन्ना प्रमुख होंगे, वो क्या है? बीजेपी बना रही है पन्ना प्रमुख, मुझे जेजेपी के बारे में पता नहीं क्या बना रहे हैं, उनके अपने अलग से पार्टी है, वो अपना काम कर रहे हैं, इतना है हमारे साथ सरकार में शामिल, मैं काम करता हूँ इसलिए लोग मेरी सुनते हैं, काम ना करे धमकाते नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कहता हूँ भैया काम कराओ जिन्हें वोट दो, नहीं कराओ ना मत दो, ये क्या धमकाना है, बस साफ कहना, वायदे तो नहीं करता झूठे सच्चे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज से गुहाना में चाहे पार्क हो चाहे स्टेडियम हो, ये सब एक निर्माण किया चाहे रोडो चारों तरफ से काम करो, ये काम है, जिसको ये धमकाना कहते हैं वो साफ बोलना ही है। आज भी शताब्दी स्टॉपेज सोनीपत करवाया है ताकि लोग चंडीगढ़ जाए तो आराम रहे आसानी रहे, आज सोनीपत भी जिला गुड़गांव से ज़्यादा तरक्की में पड़ रहे हैं आगे तेजी से, पर गोदाम जो 15-15 लाख का 20-20 लाख का किला ले लिए थे, अब 2-2-3-3 करोड़ का, अब तो गुहाना रोड पर सारा हो गया, अब ये सारा इसी से विकास होता है। इसी दौरान जगत मान संवाददाता ने स्वास्थ्य जांच शिविर में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा समाज सेवी राजवीर दहिया से बात करते हुए आज के आयोजन के बारे में जाना। काफी हल्के में काफी कैंप लग चुके हैं, आज एमपी साहब को बुलाया है और एक धार्मिक स्थान के ऊपर हमने कैंप लगाया है और ये में 25-26 गांव में पूरे हो चुके हैं और ये लगातार चल ही रहे हैं, तो ये समाज सेवा बीड़ा ये चलता ही रहेगा, पूरा साल चलेगा ये, और वीक में जो है ना सिग्नस ग्रुप है और अब की बात तो एक्शन बालाजी दिल्ली है और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा है सोनीपत के हमारे और गुहाना के SMO हमारे सबका सहयोग है और ये लोगों की सेवा में हम लगे हुए हैं और दिन रात लगे ही रहेंगे, और आप लोगों से भी दुआ करते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखो और भाइयों से सबसे जनता से अपील करते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, और हमारे जो ना सोनीपत ब्लॉक के हमारे चेयरमैन हैं स्पेशल ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ आए हैं गुहाना में, ये भी ब्लड डोनेट करके जाएंगे, और ऐसे ऐसे नौजवान साथी सब एक्टिव हैं और भगवान इनकी सबकी प्रार्थना को सुनेगा और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ हमारे साथ रहेगी, भगवान का आशीर्वाद रहेगा और ऐसे ही जनता की सेवा होती रहे। देखिए पीर बाबा धर्मार्थ समिति की तरफ से जो है ये स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें हमारे गुहाना सिविल हॉस्पिटल की जो टीम आई है उसमें 5 डॉक्टर्स और LT पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें बेसिक जांच है HB की, ब्लड शुगर, BP, हाइट वेट, सभी तरह की जांचें की जा रही हैं। इसके अलावा एक हमने काउंटर लगाया है आयुष्मान के निरोगी हरियाणा के तहत, जिनकी आय 180 से कम है उनकी हर तरह की खून की जांच, और पूरे एक तरह से हम कह सकते हैं भाई मेडिकल टीम यहाँ पे पूरा एक छोटा सा हॉस्पिटल आज लगाया गया है, और इसमें अभी तक लगभग 100 के करीब जो है हम रोगियों की जांच कर चुके हैं। अच्छा आयोजन है ये समिति की तरफ से, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, आसपास के एरिए को इससे बेनिफिट हो रहा है काफ़ी जी, निःशुल्क दवाइयाँ हैं, BP, शुगर, अस्थमा और हर तरह की दवाइयाँ हम अपने साथ कैरी करके लाए हैं। इसके साथ जो सिग्नेस हॉस्पिटल है उनका भी जो है निस्वार्थ हमें सहयोग मिला है, और एक ये ज्वाइंट कैंप है दोनों स्वास्थ्य विभाग की टीम से और सिग्नेस हॉस्पिटल की टीम के द्वारा, तो एक अच्छा कैंप का आयोजन है। जगत महान न्यूज़ के लिए गुहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।